भारत माता का एक वीर ऐसा भी था जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने आखिरी समय तक अंग्रेजों के खिलाफ पूरे दम से लड़ता रहा। इस क्रांतिकारी का नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे। वो आजादी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में खौफ का वो बीज बो दिया था जिससे वो कभी निकल ही नहीं सके। यही वजह थी कि जब 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से घेर लिया था, तब किसी ने भी आजाद के पास जाने तक की हिम्मत नहीं की थी। आइए जानते हैं क्यों अंग्रेज कभी आजाद को जिंदा नहीं पकड़ सके। इलाहाबाद का वो पार्क जहां आजाद शहीद हुए थे, वो आज भी आजाद की वीर गाथा को बयां करता है, जिसे देखते वक्त ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी गांव में हुआ था जिसे भावरा नाम से जाना जाता है। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मौजूद बदर गांव के रहने वाले थे। उनका शुरुआती जीवन इसी गांव में बीता और यहीं पर आजाद ने धनुष बाण चलाने की कला भी बहुत ही कम समय में सीख ली थी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में रोककर लूटने और एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या में शामिल महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत अहम जगह रखता है। गांधी से प्रभावित थे आजाद। बचपन में आजाद महात्मा गांधी से काफी इंस्पायर्ड थे। जब दिसंबर 1921 में बापू के चलाए गए असहयोग आंदोलन का शुरुआती दौर चल रहा था, उस समय सिर्फ 14 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उन्होंने मजिस्ट्रेट के सवालों के ऐसे जवाब दिए जिन्हें सुनकर मजिस्ट्रेट को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटा बच्चा ऐसा कैसे कह सकता है। दरअसल जब आजाद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उनसे पहले उनका नाम पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा आजाद। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनसे दूसरे सवाल में उनके पिता का नाम पूछा तो आजाद बोले स्वतंत्रता। वहीं जब मैजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल में उनके घर का पता पूछा तो उनका जवाब था जेल खाना। आजाद के इन जवाबों से मैजिस्ट्रेट बुरी तरह से तिलमिला गया और उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हर कोड़े की मार पर वो वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय बोलते रहे। इसके बाद ही चंद्रशेखर नाम के आगे आजाद जोड़ दिया गया। चंद्रशेखर का क्रांतिकारी जीवन। जब गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को सस्पेंड कर दिया तो आजाद इससे काफी नाराज हुए और इसके बाद उन्होंने कुछ और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की ठान ली। इसके बाद एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया, जिसके बाद 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। आजाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। ये पैसा ज्यादातर अंग्रेजी हुकूमत से लूटा जाता था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। 1925 में हुए काकोरी ट्रेन कांड ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस मामले में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ कई मुख्य क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी के चलते चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन संस्था में नए लोगों को जोड़ने का काम किया था। उनका मानना था कि आजादी के लिए मुहिम कभी रुकनी नहीं चाहिए। वहीं आजाद भगवती चरण बोहरा से मिलने के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी काफी करीब आ गए थे। भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को दहशत में ला दिया था। झांसी में क्रांतिकारी एक्टिविटीज। चंद्रशेखर आजाद ने कुछ समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वो अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। आजाद का निशाना अचूक था और ये कला वो सभी क्रांतिकारियों को सिखाना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया करते थे। यही वजह थी कि वो धीमारपुर गाँव में अपने इसी नाम से लोगों के बीच बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद का आत्म बलिदान। फरवरी 1931 में पहली बार आजाद इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे, लेकिन वहां पर नेहरू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए आजाद अल्फ्रेड पार्क चले गए, जहां उनके साथ सुखदेव भी मौजूद थे। यहां बैठकर वो अपनी आगे की लड़ाई की रणनीति बना ही रहे थे कि तभी वहां मौजूद डिप्टी सुप्रीमटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को देख लिया था।
बता दें कि आजाद पहले ही काकोरी कांड और ऐसे ही कई मामलों में फरार चल रहे थे और उन पर उस वक्त 5,000 रुपए का इनाम था। इसके बाद विशेश्वर सिंह ने बिना देर किए सीआईडी के लीगल एडवाइजर डालचंद को बताया कि उसे शक है कि अल्फ्रेड पार्क में बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं चंद्रशेखर आजाद है। उन्होंने देखा कि थॉर्नहिल रोड कॉर्नर से पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ जो फुटपाथ जाता है उस पर आजाद और सुखदेव दोनों बैठे हुए हैं। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आजाद ही हैं, तो उन्होंने अर्दली सरनाम सिंह को नॉट बावर को बुलाने भेजा जो पास में एक नंबर रोड पर रहते थे। नॉट बावर अपने साथ कांस्टेबल मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह को लेकर गया और वहीं अपनी कार खड़ी कर दी और आजाद सुखदेव की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीब 10 गज की दूरी से बावर ने उनसे पूछा कि वे दोनों कौन हैं। इतने में आजाद ने पिस्तौल निकालकर बावर पर गोली चला दी और जवाब में नॉट बावर ने भी उन पर गोली चलाई। पल भर में पूरा मंजर बदल गया, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। इसी बीच विशेश्वर सिंह रेंग कर झाड़ी में पहुंच गया और वहां से उसने आजाद पर कई गोलियां चलाई। जवाब में आजाद ने भी कई गोलियां चलाई जो विशेश्वर सिंह के जबड़े में जा लगी। ये मुठभेड़ कुछ देर बाद शांत हो गई। आखिर में आजाद पीठ के बल गिर गए। इसी बीच एक कांस्टेबल एक भरी हुई शॉटगन लेकर आया। नॉट बावर नहीं जानता था कि आजाद मरे हैं या बहाना कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद ने अपनी आखिरी बची गोली से खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उन्होंने पहले इस बात को कई बार कहा था कि उन्हें अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। आजाद मरने के बाद जमीन पर शांत पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी फिरंगी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके शरीर के पास जाकर उनको छूने की हिम्मत कर सके, क्योंकि आजाद का निशाना कभी नहीं चूकता था। लिहाजा उनकी डेड बॉडी के पास जाने से पहले अंग्रेजों ने उनको कुछ और गोलियां मारकर ये कन्फर्म कर लिया कि वे मर चुके हैं। कहा जाता है कि आजाद के शव की तलाशी लेने पर उनके पास से 448 रुपए और 16 गोलियां मिली थी। जब एक सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल टाउनसेंड ने आजाद के शरीर का पोस्टमार्टम किया तो उनके दाहिने पैर के निचले हिस्से में 2 गोलियों के घाव थे। इन गोलियों के लगने से उनकी टीबिया बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी और एक गोली दाहिने जांग से पार हो गई थी। एक और गोली सिर को छलनी करते हुए दिमाग में जा घुसी थी। भारतीय क्रांतिकारी विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं, आजाद का शव चूंकि भारी था इसीलिए उसे स्ट्रेचर पर नहीं रखा जा सका। वहीं चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे इसीलिए पुलिस लाइन से ब्राह्मण लोगों को बुलवाकर उन्हीं से शव उठवाकर गाड़ी में रखवाया गया था। कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम दास टंडन और कमला नेहरू आजाद के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, लेकिन आजाद के शव के लिए लॉरी वहां से चल पड़ी थी। जब तक टंडन और कमला नेहरू रसूलाबाद घाट पर पहुंचे, आजाद का शव जल चुका था। विश्वनाथ वैशंपायन ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने आजाद जैसे निशानेबाज बहुत कम देखे हैं, खासकर उस समय जब उन पर 3 तरफ से गोलियां चलाई जा रही हों। अगर पहली गोली आजाद की जांग में ना लगी होती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि नॉट बावर के हाथ पहले ही आजाद की गोली से बेकार हो चुका था। अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उनके दिए हुए इस बलिदान को भारत कभी नहीं बुला पाएगा। भारत को मिली आजादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वो कुछ समय तक रहे थे उसका नाम धीमारपुरा से बदलकर आजादपुरा कर दिया गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस बलिदान को आप किस तरह देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बताएं।